नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। साल की सबसे बड़ी तबाही हिंदुस्तान में आई है। 4 घंटे के अंदर बैक टू बैक 3 लैंडस्लाइड की वारदातें हुई और एक साथ कई सारे गांव मलबे में दब गए। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आई इस तबाही ने गहरी नींद में सो रहे सैकड़ों लोगों को सिर्फ 100 सेकेंड के अंदर मलबे के अंदर दफन कर दिया। दर्जनों लोगों की लाशें लैंडस्लाइड के बाद कई कई किलोमीटर दूर पानी के तेज बहाव में बह गई। केरल में आए मौत के सैलाब ने अब तक 106 लोगों की जान ले ली है। मरने वालों का आंकड़ा और बहुत बढ़ सकता है। 98 लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। 3000 से ज्यादा लोगों को 45 रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट करना पड़ा है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतार दिया गया है। इस वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज है कि हादसे वाली जगह पर लाशों को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। वायनाड में जिस जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई वहां पिछले 48 घंटों में 572 मिलीमीटर बारिश हुई है। एक दिन में 204 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश को बहुत खतरनाक माना जाता है, इससे आप अंदाजा लगाइए। इंडिया टीवी की टीम सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। इस साल की सबसे बड़ी तबाही के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। ये कैसे आई, कब आई, क्यों आई, क्या आज रात भी कोई खतरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आधी रात में मौत का सैलाब आया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आया। 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे में सब कुछ तबाह हो गया। गांव के गांव बह गए, सड़कें बह गईं, सैकड़ों इमारतें ढह गईं। तस्वीरें देख लीजिए, इंसान बह गए, मलबे के अंदर ही दफन हो गए। दूसरी तस्वीर देख नहीं पाएंगे। ऊपर मलबा, नीचे पानी और बीच में बच्चे की लाश, बस निकलने का मौका तक नहीं मिला। तीसरी तस्वीर भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मृत व्यक्ति का आधा शरीर मलबे के अंदर, आधा बाहर। कुदरत ने ऐसा कहर ढाया, कोई बच नहीं पाया, या कहिए किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। चंद सेकंड्स में 200 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। सैलाब से पहले और सैलाब के बाद की तस्वीरें देखिए, आप समझ जाएंगे केरल में क्या हुआ है। जिस जमीन पर पहले स्कूल दिखाई देता था, अब वहां सिर्फ तबाही के निशान हैं। बाईं तरफ वाला वीडियो देखिए, केरल का मुंडकई पहले ऐसा दिखता था, अब दाईं तरफ का वीडियो देखिए, लैंडस्लाइड के बाद केरल का यही मुंडकई कैसा दिख रहा है। इसी तरह केरल के सबसे बड़े झरने अथिरापिल्ली फॉल्स यानी जलप्रपात के 2 वीडियो देखिए। बाईं तरफ वाला वीडियो पहले का है, जब सब कुछ सामान्य था। दाईं तरफ वाला वीडियो लैंडस्लाइड के बाद का है और सैलाब आने के बाद अथिरापिल्ली फॉल्स की डरावनी आवाज बता रही है कि यह सैलाब कितना विभत्स था। वो तो सवेरे 1:30 बजे से हम लोग इन्फो मिला, लगता है वो 1 बजे 1:30 बजे के अंदर ही तो हो गया। वो 2 बार लगा और 1:30 बजे के बाद और 2-3 बजे का सुबह से 3 बजे से दूसरा बार और भी लैंडस्केप हो गया। यहाँ से और कम से कम 400 फैमिली रहते हैं, घर रहते हैं उसी में। अभी हमको मिला हुआ 4 बजे तक 87 बॉडी हम लोग निकला हुआ, उसी में 40-50 के आसपास वो तो आइडेंटिफिक किया, बाकी तो आइडेंटिफिक कर नहीं पाता है। वो बाकी तो कैसा बोलते हैं, किसी को पैर नहीं है, मुंडी नहीं है, अपना शरीर का आधा कट हो गया जैसा है। अभी तो रेस्क्यू चल रहा है लेकिन मौसम थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा परेशान पर रहते हैं। मट्टी के अंदर अभी कितना आदमी रहता है तो बोल नहीं सकते अभी। केरल के वायनाड में 80 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला सैलाब कैसे आया, कितने बजे आया, क्यों आया, आज हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। लैंडस्लाइड जब आता है तो कितनी तेजी से आता है,
वो कितनी तबाही मचाता है। लैंडस्लाइड के वक्त कैसे पूरा का पूरा पहाड़ साक्षात यमराज बन जाता है, मौत का तांडव मचाता है। और केरल के वायनाड में जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या मैन मेड क्राइसिस है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। मगर पहले ये समझते हैं कि केरल के वायनाड में ये तबाही कब और कितने बजे आई, किस वजह से आई। केरल के चूरलमाला गांव में रात 2 बजे से 6 बजे के बीच बैक टू बैक 3 लैंडस्लाइड हुए, जिसमें ये पूरा टाउन, यहां के लोग, उनकी दुकानें और गाड़ियां सब बहते चले गए। इसी तरह 8 मीटर चौड़ाई वाले मुंडकाई नदी अब अपने उफान पर है। यहां के चाय बागानों में काम करने वाले 600 कर्मचारी मिसिंग हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इस इलाके में 4 लाइन हाउस, जहां 65 परिवारों के घर थे, वो सब के सब लैंडस्लाइड में बह गए और उसमें रहने वालों का कोई अता पता नहीं है। तकरीबन अभी उधर ऊपर तरफ 250 आदमी लोग है, उससे 50 आदमी लोग किधर लेके आया है। इस बार तो तकरीबन 150 घर टूट गया, 150 घर, वो हिसाब नहीं बोल सकते। और भी बहुत बाड़ी है, अभी उधर घर पे 2-3 बाड़ी सपड़ा है, वो निकलने के लिए बहुत मुश्किल है। ये बड़ा दुखी का बात है, कम से कम 150 और 200 से घर दिखाई नहीं दे रहे। अभी कितना आदमी है उसका अंदर क्या पता नहीं। तबाही कितने बड़े पैमाने पर आई है, इसका अंदाजा आप ड्रोन से ली गई इन एरियल तस्वीरों में देख सकते हैं। इस जानलेवा सैलाब में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और मरने वालों की संख्या में अभी और इजाफा होने का अंदेशा है। केरला के इस लैंडस्लाइड ने कई सारे लोगों की जान ले ली है। हर जगह यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ केरला के मेपाड़ी इलाके में। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। जो भी साधन यहाँ पर मिल रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंसेस हों, चाहे वो 4-व्हीलर हों, 2-व्हीलर हों, उनकी मदद से लोगों को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। अगर हम जिस जगह पर हम मेपाड़ी टाउन में खड़ा है, यहाँ पर जो फैमिली हेल्थ सेंटर है, कह सकते हैं एक प्राथमिक चिकित्सालय यहाँ पर है, वहाँ पर जो दृश्य है वो देखा भी नहीं जा सकता है। वहाँ पर कह सकते हैं कि शवों के भंडार वहाँ पर रखे गए हैं। आप देखिए किस तरह से ये मेपाड़ी चूरलमला रोड है। चूरलमला वो इलाका जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, और ऐसा लैंडस्लाइड जिसने राज्य के सभी लोगों को यहाँ पर हतप्रभ कर दिया। जितनी भी एजेंसियाँ हैं, रेस्क्यू एजेंसियाँ, चाहे वो सेना के तीनों अंग हों या फिर NDRF, SDRF, और यहाँ पर लोकल लोग आप देखिए किस तरह से इस पूरे चीज़ों को मैनेज करने में पुलिस की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू का ये जो है सामान पहुँच जाए, वहाँ से जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको तुरंत यहाँ पर लेकर आया जाए। ये जो रास्ता आप यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से आप देखिए, ये जो रोड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो रोड है वो एक इकलौता रोड है जो चूरलमला की तरफ जाता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंसेस को जाने के लिए रास्ता दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच पाए और जितने भी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार लोगों की जो कह सकते हैं कि कोशिश है यहाँ पर कि कम से कम ट्रैफिक का व्यवधान हो। यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो ये चूरलमला रोड है जहाँ पर जो है वो ये लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ से आपको ये रास्ता आपको दिखाते हैं। देखिए सिर्फ एक सिंगल रोड है जो यहाँ पर, आप देखिए किस तरह से ये सिंगल रोड है जो चूरलमला की तरफ जाता है, और यहाँ पर रोक दिया गया है। यहाँ पर जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसको बिल्कुल रोक दिया गया है। पुलिस ने, प्रशासन ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो गाड़ियाँ उस तरफ से आएंगी, यानी जो स्पॉट से गाड़ियाँ आएंगी, सिर्फ उनको अलाउ किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू का यहाँ पर काम पूरा किया जा सके। आप सड़क की चौड़ाई को देख लीजिए, अगर दोनों तरफ से यहाँ पर ट्रैफिक को जाने दिया जाता है तो किस तरह से यहाँ पर व्यवधान उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हो सकता है। शायद इस वजह से यहाँ पर साफ निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को कि यहाँ से कोई भी गाड़ी जो कि इमरजेंसी पर्पसेस के लिए नहीं है उसे नहीं जाने दिया जाएगा। रिपोर्ट्स मिल रही है कि ये लैंडस्लाइड इतना दुर्दांत था कि लोगों के जो है शरीर के हिस्से जो हैं वो कट गए। इस वजह से अभी तक ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 36 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान अभी तक हो पाई है, जबकि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है।
पिछले 24 घंटे में वायनाड के अलग अलग इलाकों में हुई बारिश का डेटा देखिए। व्यतिरी में 28 सेंटीमीटर, बनंतोड्डी में 20 सेंटीमीटर, करापूजा में 14 सेंटीमीटर। पहले केरल में इतनी बारिश की घटनाएं कम होती थी, लेकिन कुछ सालों में यह बहुत तेजी से बढ़ी है। साल 2019 में वायनाड के कुर्चियामला इलाके में 4000 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि एक दशक में होने वाली बारिश का औसत ही 2200 मिलीलीटर है। यानी केरल में आए सैलाब की एक वजह वहां हो रही भयानक बारिश भी है, लेकिन कुछ वजहें और भी हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 2021 की स्टडी के मुताबिक केरल के पूरे क्षेत्रफल का 43% हिस्सा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र है। इडुक्की की 74% और वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं, यानी यहाँ भूस्खलन की आशंका बहुत ज्यादा है। ऊपर से मॉनसून में भयानक बारिश 1848 वर्ग किलोमीटर के केरल में सबसे ज्यादा ढलानी इलाका पश्चिमी घाट में है, यानी वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, इडुक्की, कोट्टायम और पत्तनमथिट्टा जिला, इन जिलों में सबसे ज्यादा भूस्खलन के मामले सामने आते हैं। साल 2019 में कुल मिलाकर केरल के 8 जिलों ने 80 भूस्खलन की घटनाएं देखी थी। सिर्फ 3 दिन में 120 लोग मारे गए थे। 2018 में 10 जिलों में 341 बड़े भूस्खलन हुए। अकेले इडुक्की में 143 भूस्खलन हुए, जहां 104 लोगों की मौत हो गई थी। दुख की बात यह है कि दो बड़े बड़े गांव जिनकी आबादी सैकड़ों में है, वो दोनों गांव इस मलबे के नीचे दब चुके हैं। ऐसे में वहां पर कितने लोग थे, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सोमवार को भी वहां पर लैंडस्लाइड का एक अलर्ट आया था और लैंडस्लाइड हुआ भी था। उससे पहले वहां पर कई सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया, कई सारे लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए, लेकिन उसके बाद जो लोग वहां पर रह गए, जिन लोगों ने इस पहले अलर्ट को सीरियसली नहीं लिया, उनकी क्या हालत हुई है आज, ये समझ पा रहे हैं कि वो जो दोनों बड़े गांव है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो मलबे के नीचे दबा हुआ है। यही वजह है कि लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो एक आखिरी होप जिसे कहा जाता है, अगर वो होप, वो जिंदगी वहां पर अभी बाकी हो तो उन लोगों को भी रेस्क्यू किया जा सके। अब सवाल यह है कि तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन क्यों होता है, आखिर इसकी साइंटिफिक वजह क्या है और ये क्यों इतना खतरनाक है। इसलिए आज ये समझने की भी जरूरत है कि आखिरकार लैंडस्लाइड के वक्त एग्जैक्टली होता क्या है। और कैसे घर में रह रहे लोगों को लैंडस्लाइड के वक्त बचने और संभलने का एक मौका तक नहीं मिलता। लैंडस्लाइड एक प्राकृतिक आपदा या फिर कहिए भूवैज्ञानिक घटना है, जो धरातली हलचल के कारण होती है। पहाड़ी क्षेत्रों से ढलानों, चट्टानों की मिट्टी, चट्टान और कीचड़ मलबे का अचानक तेज बहाव आता है या वो नीचे गिरते और खिसकते हैं, तो इसे ही लैंडस्लाइड कहा जाता है। ये घटनाएं आमतौर पर भारी बारिश, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। केरल के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लगातार हो रही तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, जिसने सैकड़ों लोगों को अपने नीचे दबाकर मार डाला। सवाल है कि यह हुआ क्यों? इसकी एक वजह है जंगल की कटाई। केरल 100 सालों से ज्यादा समय से चाय के बागानों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पेड़ पौधों की प्रजातियों में आने वाली कमी से जंगलों में कमी आई है। जंगल भी तेजी से कटे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश का पैटर्न भी बदल गया है, जिसकी वजह से ढलानों वाले इलाकों में भूस्खलन बढ़ता जा रहा है। केरल की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पश्चिमी घाट के पठारों की ढलान पर बसे हैं केरल के कई जिले। यहाँ बेहद खड़ी ढलाने हैं, ये घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं। ऐसे इलाके में भूस्खलन की आशंका ज्यादा रहती है। केरला के सबसे भयावह लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो चूरलमला में मौजूद हैं। आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको पानी का करंट दिखाते हैं, कितनी तेज प्रवाह से यहाँ पर पानी बह रहा है। और जो रस्सी आपको यहाँ पर लटकी हुई नजर आ रही है, ये पहले ब्रिज हुआ करता था जो मुंडक्कई और चूरलमला, इन दो टाउन को जोड़ता था। इस ब्रिज का अब नामोनिशान यहाँ पर खत्म हो गया लैंडस्लाइड और पानी के तेज बहाव के चलते। ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो मलबे में
बह गया है। आपको यहाँ पर दिखाएं जिस तरह से मकान यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं जो इस लैंडस्लाइड की जद में नहीं आए हैं वो यहाँ पर सजीव दिख रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा गांव यहाँ पर बसा हुआ था, अगर आपको हम इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करें, पहले एनडीआरएफ और जो रेस्क्यू टीम्स हैं सब यहाँ पर जुटी हुई हैं। जितने भी लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि जो मुंडक्कई जो टाउन है वहाँ पर तकरीबन 400 परिवार जो है वो फंसे हुए हैं, उनमें से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे मृत जो देह हैं उनको यहाँ पर लेकर आया जा रहा है, और किस तरह से देखिए एक रस्सी के सहारे यहाँ पर ये बांधा गया था कि वाटर करंट को बचाते हुए लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा सके। मंजर भयावह था। अभी आप जहां पर पानी का तेज बहाव और ये बड़े बड़े बोल्डर्स जो आप देख रहे हैं, आप देखिए ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है ये एक बिल्डिंग का एक हिस्सा यहां पर कह सकते हैं कि बचा है, बाकी सब यहां कहा जा रहा है कि ये रिहायशी इलाका था। कई सारे घर मकान यहां पर मुंडके के दो वार्ड के मकान, चूरलमला के मकान यहां पर बने हुए थे, और वो सारे ऐसा बताया जा रहा है कि अभी मलबे में दबे हुए हैं। मानसून के मौसम में वायनाड कई बार 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बर्दाश्त करता है। इसकी वजह से मिट्टी सैचुरेट हो जाती है जिससे वो कटती है और भूस्खलन होते हैं। वायनाड में ज्यादातर लैटराइट मिट्टी है, यानी बेहद कमजोर और कटने वाली। ये अगर बारिश से सैचुरेट होती है तब इसका वजन बढ़ता है, लेकिन ताकत खत्म होती है जिसके बाद ये फिसलती है। ये जो लैंडस्लाइड हुआ ये वाकई में इसलिए ज्यादा भयावह हो गया क्योंकि ये आधी रात को हुआ था। तकरीबन कह सकते हैं कि 1 बजे एक लैंडस्लाइड मुंडक्कई में हुआ, उसके बाद में जब वहां से लोगों को अलर्ट किया गया, वहां से निकालने की कोशिश की गई, और इस तरफ कम से कम 3 किलोमीटर दूर ये चूरलमला इलाका है यहां तक लाने की कोशिश की, तो वहीं पर 4 बजे चूरलमला में भी एक भयंकर लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से जो लोग रेस्क्यू कर लाए गए थे वो भी इसकी जद में आ गए। सबसे पहले इस तरफ से ये लैंडस्लाइड हुआ और आप पानी के जलजले को यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है पानी बहता हुआ अपने साथ मलबा, पेड़, बड़े बड़े पत्थर लेकर आया, और इस तरह से यहाँ पर इस पूरे इलाके को इस मलबे ने, इस लैंडस्लाइड के बहुत बड़ी मात्रा में निकले मलबे ने इसको अपनी जद में ले लिया। इस वजह से यहाँ पर एक भयावह हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसीलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि सेना के हेलीकॉप्टर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त लैंडिंग के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ा, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मुश्किल की एक वजह वायनाड का पूरा भौगोलिक इलाका भी है। 2695 मीटर यानी 8841 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला पठारी इलाका केरल के 40% इलाके में पश्चिमी घाट है। भयानक नमी वाला जंगल है जहां थोड़ी देर भी बारिश होने पर भूस्खलन होना लाजमी है। ऐसे इलाके के बीच में मौजूद है वायनाड। 2130 वर्ग किलोमीटर का वायनाड भौगोलिक तौर पर 4 हिस्सों में बटा है। प्रायद्वीपीय जेनेसिक कॉम्प्लेक्स, मैग्मेटाइट कॉम्प्लेक्स, चार्नोकाइट ग्रुप और वायनाड ग्रुप। वायनाड ग्रुप के पत्थर उत्तरी इलाके में हैं, चार्नोकाइट दक्षिण और दक्षिण पूर्व इलाके में। ये असल में मिट्टी और पत्थरों को समझाने का एक रासायनिक भौगोलिक तरीका है। वायनाड जिला 2084 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। जिले के ज्यादातर हिस्से को कबानी नदी और उसकी शाखाओं से पानी मिलता है। मैदानी इलाकों में बाढ़ आना स्वाभाविक है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियां हैं। जिले का पूर्वी हिस्सा 1000 से 1400 मीटर ऊंचा है। ज्यादातर इलाके में क्ले जैसी मिट्टी है, यानी कमजोर और सरकने वाली, इसलिए भूस्खलन का खतरा बढ़ा रहता है। एक बार फिर इन तस्वीरों के जरिए इस पूरे भौगोलिक दशा को समझने की कोशिश कीजिए। डाउनस्ट्रीम अगर आप देखेंगे तो वहां से ये लैंडस्लाइड की शुरुआत हुई और एक बहुत बड़ी तादाद में पहाड़ का मलबा, दलदल, पेड़, बड़े बड़े बाउल्डर्स के साथ में ये जो जलजला है वो वहां से निकलता हुआ। देखिए ये चूरलमला का वो इलाका है जो अगर हम बिफोर इस तबाही के समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहां पर अभी आपको पानी का प्रवाह नजर आ रहा है वहां पर कई सारे रिहायशी मकान थे। वहां पर जो दो वार्ड ऐसे हैं जहां पर बहुत थिकली पॉपुलेटेड ये मुंडक्कई और चूरलमला जो इलाका था, लेकिन अब देखिए आप किस तरह से यहां पर सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, जगह जगह पर बड़े बड़े बोल्डर्स नजर आ रहे हैं, और ऐसी आशंका है कि इससे आगे जहां से ये पानी का जो डाउनस्ट्रीम जा रहा है वहां तक कई किलोमीटर तक यहां से मृतदेह जो हैं वो बहकर आए हैं। आप देख, वाकई ऐसा हादसा जिसे जिसके बारे में सुनकर ही खौफ आ जाए। अब बात जरा हिंदुस्तान की राजनीति की, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त अंदाजा लगाया जा रहा है। एक अंदाजा राहुल गांधी लगा रहे हैं, एक अंदाजा अखिलेश यादव लगा रहे हैं, और एक अंदाजा योगी आदित्यनाथ भी लगा रहे हैं।
केशव मौर्य भी पीछे नहीं है, वो भी यूपी की विधानसभा में अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, लोकसभा में अलग मूड चल रहा है। क्या अखिलेश यादव के चाचा योगी आदित्यनाथ के लिए काम कर रहे थे, वो किस बात पर कच्चा खा गए? अखिलेश यादव किसे कच्चा दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी को बीजेपी के एक नेता ने आज गाली दी, और इस पर राहुल गांधी से ज्यादा अखिलेश क्यों फायर हो गए? हिंदुस्तान की इस वक्त की पॉलिटिकल पिक्चर समझनी हो तो इस रिपोर्ट को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे। एक्शन है, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। ड्रामा है, समस्याएं बहुत सारी होती है मैं जानता हूं। सस्पेंस है, वो आपको फिर गच्चा देंगे। थ्रिलर है, रोमांच से भरी यूपी की पॉलिटिकल फिल्म में एक से बढ़कर एक डायलॉग है। तकलीफ वो है आपको, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। यूपी में चेंज कुछ नहीं हो रहा, वही योगी है, वही सहयोगी है। चाचा अपनी जगह सेट, भतीजा अपनी जगह सेट। यूपी में जो भी है सब अपने अपने अंदाज में अंदाजा लगा रहे हैं। बातें ऐसी कि लगे सब तुक्का मार रहे हैं, कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, मगर तुक्का ऐसा जो सबको हक्का बक्का कर दे। यूपी के थिएटर से कुछ नए धांसू डायलॉग आए, मुलाहिजा फरमाइए। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे, और सरकार उसको अपना रही है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है, समझ गए आप? ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है, और गिरने वाली सरकार से हमारी यही अपील है कि अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे? यूपी ना हो गया किसी सुपरहिट फिल्म का प्लॉट, हो गया दे डायलॉग चलिए हम एक एक करके सारे डायलॉग्स को डीकोड करते हैं। लखनऊ का अंदाजे अवध मशहूर है, मगर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अंदाजे अखिलेश की है। अखिलेश यादव जब से 37 सांसदों वाली पार्टी के नेता बने हैं, उनका कॉन्फिडेंस छप्पर फाड़ हो गया है। ये जो बात ये आप कह रहे हो, सभापति महोदय, सभापति महोदय, पार्लियामेंट में खड़े खड़े बड़े बड़े मंत्रियों को रेल देते हैं। दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको।
कंप्लीट करिए, वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना माननीय सर, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। पार्लियामेंट में दिया गया अखिलेश का ये डायलॉग किसके लिए है? कौन किसे नमस्कार कर रहा है? सरकार में ताकतवर कौन है और जो ताकतवर है वो किसे हटा नहीं सकते? अखिलेश यादव केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जवाब दे रहे थे, लेकिन निशाना कहीं और लगा रहे थे। वीडियो दो दिन पुराना है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव एक पैर दिल्ली में रखते हैं, दूसरा पैर लखनऊ में टिका कर रखते हैं। अखिलेश एक कान से पार्लियामेंट को सुनते हैं तो दूसरा कान लखनऊ में यूपी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स पर लगाकर रखते हैं। चचा को गच्चा दे ही दिया, चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता। यूपी का ओरिजिनल थिएटर तो लखनऊ में ही है, जहां के हीरो हैं योगी आदित्यनाथ। जब से अखिलेश दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए भी योगी के चरणों में नतमस्तक हैं। बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे और सरकार उसको अपना रही है। योगी आदित्यनाथ किसको दूसरे तरीके से समझाने वाले हैं? असेंबली में योगी के सामने शिवपाल सिंह यादव थे, जिनको योगी प्यार से चचा कहकर बुलाते हैं। योगी इन दिनों अपने डिप्टी की बगावत से परेशान है, लेकिन पब्लिकली वो कहीं शो नहीं करते। बगावत से बेपरवाह योगी ने विधानसभा में फिर से चचा को छेड़ दिया। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया, चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियत ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। यूपी में किसने किसको गच्चा दे दिया? योगी के निशाने पर कौन, चाचा या भतीजा? योगी बात कर रहे थे माता प्रसाद पांडे से, वो छेड़ रहे थे शिवपाल सिंह यादव को और निशाने पर थे अखिलेश यादव। एक बार फिर सुनिए यूपी असेंबली में योगी आदित्यनाथ का सबसे चर्चित डायलॉग। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया, चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। कोई कच्चा खिलाड़ी होता तो गच्चा खा ही जाता। शिवपाल यादव न तो कच्चे हैं न बच्चे हैं, इसलिए गच्चा खाने का सवाल ही कहां उठता है। अखिलेश के चचा ने गच्चा वाली गेंद योगी के ही डिप्टी केशव मौर्य के पाले में फेंक दी। हमें गच्चा नहीं मिला है, पाड़े जी बहुत सीनियर है। ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखे समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं ना कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर आप देख लेना, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। सबका गेस वर्क है, गेस पेपर आउट है। केशव ये दावा करते घूम रहे हैं कि गेस पेपर की कुंजी उनके पास है,
यूपी के ब्रज और पूर्वांचल का पुराना डायलॉग है, अधजल गगरी छलकत जाए। केशव ये जानते हैं लेकिन मानते नहीं। केशव दिखावे पे चल रहे हैं ये जानते हुए भी कि उनकी पार्टी दिखावा पसंद नहीं करती है। पार्टी विद अ डिफरेंस, बीजेपी में जो ज्यादा उड़ा उसका पंख पहले कटा। फिर भी केशव डायलॉग मारने का मौका ढूंढते हैं, हर बार एक नया डायलॉग चिपका देते हैं और अपने ही नंबर घटा लेते हैं। हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की, बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या, जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। यूपी मां बड़ी आग है। योगी के दूसरे डिप्टी ब्रिजेश पाठक को थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा है। पाठक अब बाबा के पीछे पीछे घूमने लगे हैं। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर करके आ रहा है। योगी ने अपना रोल खुद डिसाइड किया है। यूपी के थिएटर में वही एक्टर हैं, वही डायरेक्टर हैं। योगी अपना डायलॉग खुद ही लिखते हैं, खुद ही बोलते हैं। केशव की तरह योगी छिप छिपा कर बच बचा कर कुछ नहीं बोलते, वो खुल्लम खुल्ला खम ठोक कर बोलते हैं। और क्या ये सच नहीं है कि आपका एक विधायक आजमगढ़ में अवैध शराब की तस्करी में, जिसके कारण लगभग 100 से ज्यादा लोग मरे थे जहरीली शराब से, आपके विधायक की संलिप्तता थी और आज भी वो जेल के अंदर सड़ रहा है, आपका सिटिंग विधायक है वो? क्या ये सच नहीं है कि आप ही की पार्टी का विधायक कानपुर को दंगों की आग में झोंकना चाहता था? क्या ये सच नहीं है? ये दोनों सच्चाई है और ये चीजें दिखाती हैं इन अपराधों में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता रही है, संलिप्तता है। और हमने इसीलिए जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है। यूपी के सपा वाले थिएटर में बड़े रोल के लिए ही चचा शिवपाल सिंह यादव भतीजे अखिलेश से अलग हो गए थे। बाहर बड़ा रोल नहीं मिला तो फिर से भतीजे की ही कंपनी में एक्टर बन गए। अब समाजवादी पार्टी का डायरेक्टर तो भतीजा है, सबके रोल उसी को तय करने हैं। चचा शिवपाल ने समझ लिया है कि भतीजा जो रोल दे उसी रोल को करने में फायदा है। देखिए, अनपूरक बजट तो ला रहे हैं और बजट खर्च कर नहीं पा रहे हैं, और कहीं पर भी देखिए नहरों में पानी दे नहीं पा रहे, नहरों की सफाई कर नहीं पा रहे, सड़कें बना रहे पा रहे हैं, पुल बना नहीं पा रहे हैं। कोई भी विकास का काम सरकार विकास के काम में खर्च कर नहीं पा रही और नया बजट ला रहे, केवल भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को भी रोक नहीं पा रहे, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए ये बजट ला रहे। लखनऊ से वापस दिल्ली आते हैं अखिलेश यादव। लखनऊ के स्मॉल स्क्रीन से दिल्ली वाले बिग स्क्रीन पर आए हैं और इन दिनों खुद एंग्री यंग मैन के रोल में हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी पर निजी कमेंट किया। राहुल ने ठाकुर को जवाब दिया लेकिन आपे से बाहर हो गए अखिलेश यादव। ये पूरा सीक्वेंस किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, आप भी देखिए। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए?
स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को। यूपी की फिल्म में राहुल गांधी का रोल कम है, नेशनल थिएटर में राहुल बड़े एक्टर हैं। संसद में समाजवादी पार्टी नंबर 3 की पार्टी है, लोकसभा में कांग्रेस के बाद सपा ही है, राहुल के बाद अखिलेश ही हैं, सपा के बाद तृणमूल का नंबर आता है। अखिलेश का अंदाज चुटीला है, वो यूपी की खांटी पॉलिटिक्स करके दिल्ली आए हैं, ये अंदाज उनकी डायलॉग डिलीवरी में नजर आता है। हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी मिले हमें। परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं।